नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाविक। आप देख रहे हैं चैनल टॉप ट्रेंड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं VFX और CGI का किस तरह से हॉलीवुड की फिल्मों में इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको दिखाया गया था VFX और CGI का किस तरह से इस्तेमाल होता है और क्या क्या तकनीक यूज़ होती है जिसके ज़रिए आप हॉलीवुड की फिल्में और बॉलीवुड की फिल्में में इस तरह की इफेक्ट देख सकते हो। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें VFX और CGI का इस्तेमाल किया गया था और उसके पर्दे के पीछे की कहानी की किस तरह से इसको फिल्माया गया था। मेरा नाम है भाविक, आप देख रहे हैं चैनल टॉप ट्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बाजू वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले से नई और मज़ेदार वीडियो आप तुरंत देख पाएँ। हाल ही में रिलीज़ हुए एवेंजर एंड गेम की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लोगों को उसके साथ विजुअल इफेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके पर्दे के पीछे की कहानी कैसी होती है और वो शूटिंग कैसे करते हैं उसकी भी उत्सुकता बनी रहती है। तो यूट्यूब पर ऐसे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि वाकई में शूटिंग किस तरह से होती है और किस टेक्निक से ये शूट करते हैं जिससे आपको थिएटर में पूरा मज़ा आता है ऐसे फिल्मों देखने में। देखने में तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब आप इसकी रियल टेक्निक देखते हो, जब इसके पर्दे के पीछे की कहानी देखते हो तो आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से शूट करते हैं ये लोग। कितनी ज़बरदस्त मेहनत का काम है इस प्रकार की क्रिएटिविटी दिखाना इस स्पेशल इफेक्ट के इस्तेमाल के लिए। तो चलिए आपको ऐसी बहुत सी ऐसी फिल्मों हैं हॉलीवुड की जिसमें आपको दिखाएंगे एक्चुअल में और किस बखूबी तरीके से शूटिंग करते हैं जिसके लिए आपको पर्दे पे ऐसा ही लगता है कि मानो कि उन्होंने वहीं जाके एक्चुअल में शूटिंग किया होगा। तो चलिए देखते हैं उस फिल्म के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी एवेंजर की एंड गेम और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर रिलीज़ हुई थी, उसमें भी काफ़ी स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था और उसमें भी काफ़ी ऐसे पर्दे पीछे की कहानी दिखाई गई थी कि किस तरह से VFX और ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके जो कैरेक्टर्स थे उसको डेवलप किया गया था और उसके ज़रिए ये स्पेशल इफेक्ट स्क्रीन पर दिखाई गई थी। बात करते हैं लाइफ ऑफ पाई की, जिसमें एक छोटा सा बच्चा कुछ जानवरों के साथ नाव के अंदर एक बीच समंदर में फंस जाता है और उसके बाद वो क्या करता है वो सारी कहानी आपको इस फिल्म में दिखाई गई थी। फिल्म काफ़ी मज़ेदार थी और उसमें भी स्पेशल इफेक्ट का काफ़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया था। इसमें भी जो भी सीन दिए गए थे काफ़ी कमाल के और लाजवाब थे। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से ये पूरा शूटिंग किया गया था और एक शेर जो एक्चुअल में शेर था ही नहीं, बस उसका एक हूबहू एक पुतला लेके उसके साथ पूरा शूटिंग किया गया था। और पिछले साल आई जंगल बुक की बात करें, जंगल बुक में जंगल में एक भी शूटिंग नहीं हुआ था, वो सारा शूटिंग एक स्टूडियो के अंदर हुआ था और जितने भी उसमें जानवर दिखाए गए थे उसमें से एक भी जानवर असली नहीं था, वो सारे के सारे स्पेशल इफेक्ट के जरिए बनाए गए जानवर थे। स्क्रीन पे आपको देखने में काफ़ी असली लगता है लेकिन ये पूरे सब कंप्यूटर इफेक्ट्स की मदद से बनाए गए जानवर थे और उसको आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको दिखाया गया था ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही चर्चित और प्रचलित वेब सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसमें दुनिया भर के लोग दीवाने होते हैं। उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में फिल्म का स्पेशल इफेक्ट और CGI VFX का इस्तेमाल किया गया था और इसमें काफ़ी लाखों करोड़ों डॉलर का खर्च करके सिर्फ स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। इसकी लड़ाई के शूटिंग के सीक्वेंस के लिए उन्होंने बहुत ही काफ़ी तगड़ी मात्रा में कास्ट को नियुक्त किया गया था ताकि पूरा शूटिंग अच्छे से वो हैंडल कर सके। और ड्रैगन को दिखाने के लिए उन्होंने एक ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जो ड्रोन हवा में उड़ता रहता था और नीचे खड़े गए लोगों को बताया गया था कि ये ड्रोन एक्चुअल में ड्रैगन दिखाया जाएगा तो आपको उसी तरह से हाव भाव देना है, उसी तरह से रिएक्ट करना है जैसे कि मानो कि आप सच में आपके ऊपर एक ड्रैगन उड़ रहा है। तो ये शूटिंग भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और इसी के साथ जब खलीसी वो ड्रैगन के ऊपर उड़ रही होती है तो उसका भी शूटिंग आप देख सकते हो कि किस तरह से एक नकली रोबोट के ऊपर उनको बिठाकर पूरी शूटिंग की जाती है ताकि आपको रियल में दिखा सके कि वो ड्रैगन के ऊपर उड़ रही थी। बात करते हैं जुरासिक पार्क फिल्म की, जिसमें आपको दिखाया गया था कि किस तरह से छोटे छोटे डायनासोर होते हैं तो वाकई में एक्चुअल में वो ग्रीन स्क्रीन के अंदर जो आदमी होते हैं वही वो डायनासोर का मास्क पहन के पूरी शूटिंग की जाती है और बाद में उसको स्पेशल इफेक्ट करके आपको दिखाया जाता है कि ये छोटे छोटे डायनासोर वाकई में बहुत ही असली लगते हैं, तो आपको फिल्में देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और उसके बाद बात करते हैं हमारी बहुत ही चर्चित फिल्म एवेंजर, जिसके सारे पार्ट्स काफ़ी ज़बरदस्त थे और एवेंजर की इन्फिनिटी वॉर में भी इसी तरह से टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। एक्चुअल में जो ग्राउंड दिखाया था वो ग्राउंड बिल्कुल साफ था और जो जहाँ पे वाकांडा दिखाया गया था, वाकांडा में भी बहुत से ऐसे स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था कि पूरा एक वाकांडा खड़ा किया था। जहाँ पे लड़ाई होती है तो वो लड़ाई का सीन भी पूरी तरह से VFX का किस तरह से इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे आप देख सकते हो।
शुरुआत में जो इन्फिनिटी वॉर के जो पहला सीन फाइटिंग सीन होता है जिसमें आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जो लड़ाई होती है, तो वो भी यहाँ पे किस तरह से दिखाया गया था स्पेशल इफेक्ट्स में आप देख सकते हो। जो स्पेशल इफेक्ट्स फिल्म आने से पहले ये यहाँ पे ये एक विजुलाइजेशन क्रिएट करते हैं, तो विजुलाइजेशन देखने के बाद वो उसका स्पेशल इफेक्ट्स में वो कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन और स्पाइडरमैन एक स्पेसशिप में बैठकर जब दूसरे ग्रह टाइटन पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे भी किस तरह से VFX का इस्तेमाल किया गया था, पूरा टाइटन ग्रह दिखाया गया था और स्पेसशिप के अंदर के भाग जितने भी दिखाए गए थे वो क्या किस स्पेशल इफेक्ट के बनाए गए थे वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। जब आप स्क्रीन पर इस तरह के सीन देखते हो तो आपको लगता होगा कि शायद बहुत ही खर्चा किया होगा, लेकिन ये सारा खर्चा सिर्फ VFX और स्पेशल इफेक्ट का किया जाता है, क्योंकि इससे समय भी काफ़ी कम लगता है और इसको आप जिस तरह से देखना चाहते हो उस तरह से आप इसको बना सकते हो, क्योंकि सेट को खड़ा करने में और उस पर शूटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो VFX का इस्तेमाल करके आजकल की सारी फिल्में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको दिखाई जाती है और आपको देखने में भी काफ़ी बड़ा मज़ा आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बन रही है जिस तरह से बाहुबली ने पूरा ज़बरदस्त एक तहलका मचा दिया था इंडिया में, उसी तरह से आप बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें आपको स्पेशल इफेक्ट देखने को ज़रूर मिलेंगी। इंडिया में ऐसी बहुत सी कंपनी है जो VFX के बनाने में काफ़ी कार्यरत है और यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिखाई जाएगी कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो भारत में काफ़ी प्रचलित है VFX और CGI को इस तरह से फिल्म में इंक्लूड करने के लिए। इस वीडियो के एंड में आपको सारी एक लिस्ट दिखाई जाएगी कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे VFX और CGI का काम करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारे इंडिया में भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट और CGI का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप देख सकते हो कि बाहुबली में काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में VFX और CGI का इस्तेमाल किया गया था और तब से लेके अब तक सिर्फ ट्रेंड ही बन चुका है और बहुत सी ऐसी फिल्में ऐसी बन रही है जिसमें आपको VFX और CGI का ज़बरदस्त इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मास्त्र फिल्म आ रही है जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट है और अमिताभ बच्चन है, जो साल के अंत तक रिलीज होने वाली, उसमें भी VFX का ज़बरदस्त इस्तेमाल होने वाला है। तो उम्मीद है कि इस तरह से और भी ऐसी नई टेक्निक हम आपको दिखाते रहे और आपको जरूर पसंद आएगा इस तरह की वीडियो देखने में, और जब मूवी देखने में मजा आता है तो उससे ज्यादा वो किस तरह से ये मूवी बनाते हैं वो भी देखने में काफी मजा आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो के नीचे लाइक जरूर कर दे। यदि आपको कोई और सुझाव हो या फिर आपको और कोई जानकारी हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और जाते जाते हम हाल ही में रिलीज हुए एवेंजर एंड गेम की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लोगों को उसके साथ विजुअल इफेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके पर्दे के पीछे की कहानी कैसी होती है,